हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए आज दो दो तोते बैठे हुए हैं इतने पास। ये आज तो मौसम अच्छा है ना राधे, इसलिए वो ऊपर आ रखे हैं छत में हमारे, नहीं तो वो इधर तो आते नहीं हैं, यहाँ पे तो कबूतर ही आते हैं। बट आज देख रही हूँ मैं पहली बार इतने पास हमारे छत में बैठे हैं। देख लिए अब टोटे। तो देखिए आज हम छत में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में बना है, ये है चूने की रोटी जिसे कोदे की रोटी भी बोलते हैं, और हरी भुज्जी है, और प्याज ऐसे थींच के प्याज की कचकोली है, और चटनी है, और दही है क्योंकि दही राधे खाती है, इस वजह से मैं थोड़ी दही भी लाई हूँ। और ये दादी बैठे हैं, दादी कर रहे हैं नाश्ता और मैं और आराध्या करते हैं। ये वो देखिए आराध्या छत में घूम रही है। आराध्या ने अपने पापा की कैप पहन रखी है आज। वो उल्टी साइकिल चला रही है। सो हमारा नाश्ता हो गया है, अब हम जाएंगे नीचे। और आज हम छत में इसलिए बैठ के खा रहे थे क्योंकि आज ठंडा मौसम हो रखा है, जैसे अभी दो तीन दिन इतना गर्म हो रहा था छत में बैठा नहीं जा रहा था, बट आज ऐसा हो रखा है कि हवा चल रही है और ठंडा मौसम और धूप अच्छी लग रही है, ज़्यादा चट घाम भी नहीं आ रखा है, मतलब हल्का फुल्का घाम है तो अच्छा लग रहा है बैठने में। तो इसलिए फिर मैंने कहा दादी ऊपर ही खाते हैं मोस्टली, तो मैंने कहा चलो आज मैं आराध्या को भी लेके चलती हूँ, और अभी नीचे दीदी आ रखी है तो वो सफाई भी कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो छत में ही खाते हैं, तो अच्छा लग रहा है, ठंडा है आज मौसम दिल्ली में। सो देखिए हवा इतनी ज़ोरों की चल रही है, मेरे बालों से पता चल रहा होगा हवा। तो खाना हो गया है, नाश्ता हो गया हमारा ख़त्म, चलते हैं नीचे। और सारा काम हो गया है, नाना गुना हो गया है, और अभी आगे छत में, छत में हवा तो चल रही है पर धूल उड़ रही है तो आइस में घुस रही है सारी। ये देखिए आराध्या के मज़े आ रखे हैं, दादी का भी वॉक हो जा रहा है। ये हवा देखो कितनी हवा चल रही है, ये देखो मेरा फ़ोन ही हिलने में लगा हुआ है हवा से। तो देखिए आज मैंने अपनी चिमनी साफ की हुई थी, साफ हो गई है सारा। लंच में बनी है हमारे यहाँ पकौड़े वाली कढ़ी, और बनाई थी मैंने मलका की दाल, और इस कुकर में बन रहा है भात। अब आराध्या खाएगी खाना और बताएगी दाल अच्छी बनी है कि कढ़ी अच्छी बनी है। कढ़ी अच्छी है, पर दोनों में से बेस्ट क्या है? दोनों नहीं, एक चीज बताओ ना। दोनों ही एक और अच्छी है। चलो फिर खाओ। देखिए शाम हो गया है और अभी उजाला है काफी, और मैं बनाने लगी हूँ चाय तो यहाँ चाय बोल रही है, और एक साइड मैंने रख दिया है पानी ग्रीन टी के लिए। सो इस पर ही हमारे यहाँ ग्रीन टी इस तरह से आई है, खुली ग्रीन टी आई है, मतलब वो पाउच नहीं आए डिप वाले, सो मैं ये वाली ग्रीन टी बनाने लगी हूँ। दिन की दाल बची हुई है और कढ़ी बची हुई है, सो मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन, और बैंगन की बनाऊँगी सूखी सब्जी। फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा प्लांट है ये, और देखिए आज दिल्ली का मौसम, सूरज बहुत ही लुका छुपी खेल रहा है, सारे बादल तो नहीं लगे हैं बट बहुत ठंडी हवा चल रही है आज, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है और आज धूप नहीं है। देखिए आज सुबह सुबह हमारे यहाँ बन रहा है ब्रेकफास्ट में मेथी का परांठा, और ये सिर्फ क्या है एक परांठा। और राधे ने आज कैप पहन ली है और अब वो ऊपर छत पर साइकिल चलाएगी। चलो चलो चलो
वाली। किसने कहा हैप्पी दिवाली होने वाली है? अंदर लाइट चलाई है ना, लाइट। वो तो वैसे ही कर रखा हुआ है, हमारे सामने यहाँ लाइटिंग्स लगा रखी है उन्होंने। तो कह रही है आज हैप्पी दिवाली है। अभी हो रहा है शाम का 7 बजने वाला होगा शायद। मैं भी अभी आराध्य को छत में लेकर आई हूँ, क्योंकि मैडम ने उठते उठते दूध पीने में काफ़ी टाइम लगा दिया, और अब आते साथ ही आराध्य खेल रही है। वैसे भी काफ़ी उजाला है, दिख नहीं रहा होगा बट है काफ़ी उजाला। सो यहाँ डिनर पर मैंने बनाए थे आलू मटर की सब्ज़ी, और दिन की सब्ज़ी बची हुई थी शिमला मिर्च की, और सुबह की सब्ज़ी बची हुई थी अरबी की। तो काफ़ी सारी सब्ज़ी बची हुई थी, इसमें था आटा, इसमें था हमारे यहाँ सुबह दिन में बनाया था मटर पुलाव, वो भी बचा हुआ था, और यहाँ मैंने गूंद दिया है आटा। और किचन का इतना काम हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ आराध्य को पढ़ाने। इतनी सारी बुक्स में से पढ़ोगे आप? पढ़ना आपने एक पेज नहीं है, इतनी सारी निकाल दी। सो भी बज रहा है शाम के 7:30 बज रहे हैं, और मैं अब आ गई हूँ आराध्य को लेकर रूम में, क्योंकि इसकी पढ़ाई का टाइम हो गया है। ये देखिए बुक्स इतनी सारी इसने ले ली है, बट इसमें पढ़ना सिर्फ एक पेज ही है, क्योंकि इसको होमवर्क दे रखा है आज हिंदी का, तो मैं इसको हिंदी का होमवर्क करवाऊंगी। नहीं ना, मुझे बहुत ज़्यादा लिखना है। ओके, आप लिखो तो सही। सो बाकी मैंने सारा मतलब खाने का तैयारी कर ली है, सब्जी बना दी है, आटा वगैरह गूंद दिया है। आराध्य के ऊपर भी आए नहीं हैं, वो आने वाले हैं, तो जैसे ही आएंगे तो फिर आराध्य का तब तक वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद बनाएंगे, उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। तो चलिए मैं आराध्य को भी पढ़ा देती हूँ। और देखिए आज आराध्य का ये ड्राइंग का पीरियड था, तो फिर आराध्य ने आज ये ड्राइंग बनाया। ये देखिए, हैप्पी, इन लव, एंग्री, सैड और ये स्केयर्ड। ये देखिए आराध्य का वो भी आ गए हैं। नमस्ते आराध्य। और आराध्य की पढ़ाई भी ऑलमोस्ट हो गई है। पापा आपको नमस्ते कर रहे हैं। आराध्य नमस्ते बोलो पापा को। नमस्ते पापा, कैसे हो? तो आपकी एंग्री। सो अब हो गया है 8:30, और आराध्य पापा भी आ गए हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ रोटी।